नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बाजू डिजाइन। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना कपड़ा फोर फोल्ड में बिछा लिया है। इसमें मैं यहाँ पे ये लंबाई रखूँगी, ये हमारी बाजू की चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे पहले। तो देखिए, इस तरह से 10 इंच हमारी बाजू की लंबाई तैयार है। 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे और एक निशान यहाँ हम 3 इंच पे लगाएंगे। तो इन निशानों को पहले हम सीधा मिला लेते हैं। इस तरह मैंने सीधा मिला लिया है। अब इससे मैं हमें देखिए, नॉर्मल बाजू की तरह हमें इसको नहीं काटना है। इसमें हमें 2 इंच यहाँ ऊपर जहाँ मैं लंबाई लेते हैं वहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, 2 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इनको हम सीधा मिला लेते हैं। तो ये 2 इंच का निशान मैंने यहाँ पे देखे, जो हमें बीच में इसमें डिजाइन डालूंगी तो वो कट वाला डिजाइन है, तो इसके बीच में हमें कट डालना है। इसीलिए ये फोल्डिंग के लिए 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लिया हुआ है। इस तरह से, इस तरह हमारी बाजू की डिजाइन भी बन जाती है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो रहा है, बीच में जोड़ आ रहा है, तो आप यही वाला डिजाइन बना के देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह 2 इंच मैंने निशान लगा लिया है। अब जो भी हम अपनी बाजू की मुड्ढे की गोलाई लगाते हैं, आर्म होल की गोलाई लगाते हैं, इससे अंदर लगाएंगे। इसको हम नाप में नहीं लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से 3 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे अपने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। चेस्ट का हमें चौथा भाग निकालना है। चौथा भाग करके जितना भी निकलेगा उसमें हमें 1 इंच अपने मुड्ढे की गोलाई में कम करना है। तो यहाँ पे मेरा 9.5 आ रहा है। इस तरह 9.5 पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ पे अपनी मुहरी का निशान लगाएंगे। 11.5 हमारी मुहरी का निशान है, तो उसका आधा करेंगे। इस तरह 5.5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। इस तरह मिला के अब इन दोनों को ऐसे सीधे मिला लेंगे। यहाँ पे अपना मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब 1/2 इंच की दूरी में हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे यहाँ पे, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। हमें कटिंग यहाँ पे देखिए, गोलाई में काटना है, यहाँ से मार्जिन वाले में, और इस लाइन को काटना है। देखिए, यहाँ पे हमें इस लाइन को नहीं काटना है। अब इस तरह ऊपर के 2 पल्ले पकड़ेंगे हम, नीचे 2 छोड़ के आगे वाले की गोलाई दे देंगे यहाँ पे। इस तरह हमारी बाजू की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब इसमें हम डिजाइन किस तरह बनाएंगे ये बताऊंगी। अब देखिए, मैंने अपनी बाजू सीधी कर ली है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे अपना, जो हमने कटिंग्स के समय 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लिया था कपड़ा, तो उसको हम सीधे पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब जो भी हम फोल्ड करेंगे यहीं तक करेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए मैं पहले लुप्पी बना लूंगी। तो इस तरह से मैंने देखिए,
1 इंची चौड़ा कपड़ा ले लिया है, और हमें यहाँ पे 4 लूपी लगेंगी, दो एक हाथ में लगेंगी, दो एक हाथ में लगेंगी। तो इस तरह से देखिए इसको उल्टा कर लेंगे, इस तरह उल्टा करके यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इतनी दूरी में हम सिलाई लगा के यहाँ पे पतली सी एक डोरी बना लेंगे। जिस तरह हम अपने सूट के पीछे डोरी लगाते हैं उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम सुई धागे की मदद से सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सुई ले ली है, इसमें मैंने 4 फोल्ड धागा ले लिया है। तो हम इसके अंदर देखिए यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, एक बार फिर डालेंगे। इस तरह डालने के बाद अपनी सुई को आप उल्टा डालेंगे इसके अंदर, सीधी सुई नहीं डालेंगे, उल्टी सुई डालेंगे। इस तरह हम सुई को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से आप अपनी सुई को धागे को हम बाहर खींचेंगे। इस तरह हमारा देखिए डोरी सीधी होके बाहर निकल आती है। इस तरह से हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम देखिए इस तरह से यहाँ पे आप 2.5 इंच की एक डोरी कट करेंगे। इस तरह से इस तरह 2.5 इंच के हम 4 पट्टी कट कर लेंगे, दो एक हाथ में लग जाएंगी, दो एक हाथ में लग जाएंगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम बाजू का एक हिस्सा ले लेंगे, 2 इंच हम नीचे इस तरह निशान लगा के छोड़ देंगे। जो हमारा यहाँ पे नीचे मोहरी फोल्ड होगा उसका निशान हमें इस तरह छोड़ देना है, इससे ऊपर ही हमें लुपी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर एक निशान हम 1.5 इंच छोड़कर, तो इन इन दो निशानों पे हम यहाँ पे लुपी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह लुपी लेंगे, जो भी लुपी का एक्स्ट्रा भाग है वो ये खुले साइड रखेंगे, और जो भी हमारी लुपी तैयार होगी हमें इस तरफ रखना है। देखिए जिस तरह मैं रख रही हूँ इसी तरह हम रखेंगे, और इसको हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह रखेंगे और यहाँ पे हम इनको सिलाई लगा के इस तरह सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। दूसरी लुपी को भी हम इसी तरह रखेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था। इस तरह लगाने के बाद अब जो भी हमारा देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था, इसको हम देखिए 1/2 इंच एक बार पलटेंगे, फिर बाकी जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है उसको हम ऐसे लुप्पी हमारी जितनी तैयार रखनी है हमें उतना रखेंगे, बाकी हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इस तरह से इस किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, तो हमारी लुप्पी इस तरह बाहर दिखेंगी। और देखिए लुप्पी हमारी लगी है कहाँ पता ही नहीं चलता है, अनविजिबल लग जाती है। इस तरह लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो अब एक सिलाई हम इसके ऊपर डाल लेते हैं, एक सिलाई इसके ऊपर लगा ली है। अब एक सिलाई हम उल्टे तरफ लगाएंगे। देखिए जो ये हमारा कपड़ा है इस तरह इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये लूपी लग के तैयार हो चुकी है एक साइड, और दूसरी साइड हम बिल्कुल प्लेन फोल्ड करेंगे इसको। देखिए ये मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया है, इसको हम इस तरह देखिए उल्टा करेंगे और इसको हम सिंपल ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, और इस किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसकी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह मैंने दूसरा पार्ट भी ले लिया है। तो इस तरह आएगा, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, यहाँ पे ये बीच में हमारा हिस्सा खुला रहेगा, हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे और ऊपर हमारा ये सूट में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से ये खुला रहेगा। तो पहले हम इसके नीचे मुहरी फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से दोनों में अलग अलग फोल्ड करेंगे। इस तरह दोनों को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह मुहरी फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इसको सिल के खाली ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हल्का सा हमें एक पॉइंट के हिसाब से कपड़ा इसके ऊपर रखना है और इसको सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा इसके ऊपर रखा है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। बीच में ये हमारा खुला रहेगा और यहाँ पे देखिए इस तरह से, इस तरह मैंने देखिए बटन तैयार कर रखे हैं। तो इनको हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और ये बीच में हमारा ये हिस्सा देखिए इस तरह से खुला रहता है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान है इस वाले डिजाइन को बनाना। आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस वाले डिजाइन को बना के देखिए, हमारा जोड़ भी नहीं आता है और एक तरह से डिजाइन भी बन जाता है यहाँ पे।